बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने बनाई है मटन चॉप्स। मटन चॉप्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम वो धो लेते हैं। 1 किलो मटन चॉप लेंगे, इसे अच्छे तरीके से धोकर खुश कर लेंगे। 1 कप दही लेंगे, 1 कप फ्राई की हुई प्याज लेंगे। इन दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। कटे हुए टमाटर लेंगे 1 अदद। गार्निशिंग के लिए धनिया लेंगे। 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। खड़े मसालों में लेंगे जीरा आधा चम्मच, दालचीनी की स्टिक 2 अदद, 2 अदद बड़ी इलायची लेंगे। गरम मसाला पाउडर लेंगे आधा चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, सुरख मिर्च आधा चम्मच, कुटा हुआ खुश धनिया 1 चम्मच, 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। दही और फ्राई की हुई प्याज का इस तरीके से एक पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट को थोड़ा भून लेंगे। पेस्ट को 1 मिनट के लिए तकरीबन भून लिया है, अब इसमें चम्मच शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छे से पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। चाप को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, चॉप्स का कलर तकरीबन चेंज हो गया है। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, सोर्स मिर्च, नमक, खुश धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ऊपर से कवर कर देंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, 3 मिनट लगे हैं, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। और फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और ये दही और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे ऊपर से कवर करके पका लेंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर ही रखेंगे। आठ मिनट हो गए हैं, चेक कर लेंगे। इस टाइम पर आके आप गोश्त को चेक कर लें कि कितना कच्चा है, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। मैं इसमें 1 गिलास पानी का डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे ऊपर से कवर करके 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे।
20 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चाम गल गई हैं। फ्लेम को हाई पे कर लेंगे और पानी खुश कर लेंगे। पानी अच्छे से खुश्क हो गया है, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसके ऊपर गरम मसाला शामिल करेंगे, सब्ज धनिया, इन्हें मिक्स कर कर डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मटन चाप को डिश आउट कर लिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि चैनल की हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।